अस्सलाम वालेकुम, इमरान मीर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। तो जी आज बात करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये आज जो है तीसरा राउंड जारी है मुज़ाकरात का। तो आज के मुज़ाकरात की बात करेंगे। अभी जो ख़बर हमारे पास आई है ये मुज़ाकरात का टाइम चेंज कर दिया गया है। तीसरा राउंड बरोज़े मंगल यानी कल सुबह 11 बजे होना था लेकिन ये चेंज कर दिया गया है, ये रात को 11 बजे होंगे। अच्छा, बात लोगों की ये राय है या बात मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि इसकी बेसिक वजह क्या है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हुकूमत ये मुज़ाकरात करने से इनकार कर गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वजह यह है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि आज 1 मई था। जैसा कि आपको पता है 1 मई सरकारी छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान में, हर इदारे की छुट्टी होती है। तो इस हवाले से जितने लोग जितने लीडरान थे वो अपने अपने घरों को जा चुके थे और उनकी ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये आज प्रोग्राम जो है मुज़ाकरात का तीसरा राउंड ये कैंसिल करना पड़ा। तो अब ये जो तीसरा राउंड है ये तकरीबन रात 9 बजे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा राउंड इंशाल्लाह खैर वाफियत से गुजरेगा और पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेके आएगा। जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है मुज़ाकरात को कि ये मुज़ाकरात किस करवट ये बैठते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है जिस तरह के सियासी लोगों के बयान आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब, क्योंकि आज आपने जुवेद लतीफ़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, इमरान खान साहब की भी, ख्वाजा आसिफ साहब की भी, लेकिन बज़ाहिर उसमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये आपस में रस्साकशी जारी रहेगी और ये मुज़ाकरात नाकाम रहेंगे। बहरहाल हम इस बात पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानियाँ फरमाए और ये मुज़ाकरात कामयाब हों। तो इंशाल्लाह जी कल दोबारा 9 बजे हम दोबारा मिलेंगे आपसे, मुज़ाकरात के बाद दोबारा अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।